हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हॉली एकेडमी 2.0 में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 और उसके बाद लॉकडाउन के मद्देनज़र विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा और शैक्षणिक कैलेंडर पर UGC के कुछ नए दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे कि क्या गाइडलाइंस हमें दिए गए हैं। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है, एक कन्फ्यूजन्स चल रहा है कि हमारा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। बट उससे पहले आप लोग दो बातों को जान लीजिए, पहला टर्मिनल सेमेस्टर और दूसरा इंटरमीडिएट सेमेस्टर, क्योंकि इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर इन बातों को नहीं जानते हैं कि टर्मिनल सेमेस्टर क्या है और इंटरमीडिएट सेमेस्टर क्या है, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो सबसे पहले समझिए टर्मिनल सेमेस्टर किसे कहते हैं। टर्मिनल सेमेस्टर कहते हैं लास्ट सेमेस्टर को, जैसे सेमेस्टर 6, ठीक है। इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स होते हैं बीच वाले सेमेस्टर्स, जैसे कि आपके सेमेस्टर 5 हैं, 3 हैं, इसी तरह से बीच वाले सेमेस्टर्स होते हैं। अब इसके बाद UGC क्या गाइडलाइन आप लोगों को दे रहा है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए यूजीसी जो है, यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में ये चलता है कि यूजीसी है क्या। यूजीसी एक संस्थान है जिससे पूरे इंडिया के यूनिवर्सिटीज सर्कुलेट होते हैं, जैसे सेबी से सारे कंपनीज होते हैं, उसी तरह से यूजीसी से सारे यूनिवर्सिटीज़ होते हैं। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन ये मिला है कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर के छात्र वर्तमान और पिछले सेमेस्टर के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर इन छात्रों को ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। इंटरमीडिएट याद रखिए जो बीच वाले हैं। जिन राज्यों में कोविड-19 की स्थिति सामान्य हुई है वहां जुलाई के महीने में परीक्षा होंगी। ये परीक्षा किन किन का होगा इसको हम लोग बाद में चर्चा करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करने के लिए हम लोग जो मेन पॉइंट्स है उस पर ही डिस्कशन करेंगे। सेकेंड, टर्मिनल सेमेस्टर के छात्र जुलाई के महीने में परीक्षा आयोजित की जाएगी उनकी, टर्मिनल यानी कि लास्ट सेमेस्टर। प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक कोविड-19 सेल का गठन किया जाएगा जो शैक्षणिक कैलेंडर और परीक्षाओं से संबंधित छात्रों के मुद्दों को सुलझाने में सक्षम होगा। ऐसा नहीं है कि अभी जो गाइडलाइंस जारी कर दिया गया इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन्स होगा। आपको इन फ्यूचर जो भी कन्फ्यूजन होगा उसके लिए यूनिवर्सिटी में एक सेल होगा, आप वहाँ पर जा करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ये जान लीजिए कि अब आप लोगों का जो एग्जामिनेशन होना है वो 3 घंटे का नहीं हो करके वो सिर्फ 2 घंटे का होगा। ये एक नया तरीका है। दूसरा, आप लोग ये जान लें मार्क्स कैसे मिलेंगे। अगर कोविड-19 के अनुसार स्थिति सामान्य नहीं दिखाई देती है तो सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए और छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रों के लिए अपनाए गए आंतरिक मूल्यांकन पैटर्न के आधार पर 50% अंकों की ग्रेडिंग दी जा सकती है और शेष 50% अंक केवल पिछले सेमेस्टर में प्रदर्शन के आधार पर। यानी कि अगर आपका पिछला सेमेस्टर में 100 मार्क्स आया या 100% है या 40% है या 80% है, तो उसका 50% आपको पिछले सेमेस्टर से लिया जाएगा और करंट के लिए आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी 50% तक ग्रेडिंग कर सकती है। अब वो 50 में चाहे तो आपको 40 कर दे, 45 कर दे, ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा। अब चलिए इसी वीडियो में, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो इस वर्ष एडमिशन लेने वाले हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें कि शैक्षणिक कैलेंडर, कैलेंडर क्या तैयार हुआ है उसको जानिए। सबसे पहले सम सेमेस्टर का आरंभ, सम सेमेस्टर के इवन सेमेस्टर, जैसे सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4 एंड सेमेस्टर 6 के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। इनका जो सेमेस्टर स्टार्ट था वो डेट तय किया गया है कि 1 जनवरी 2020 को इनका डेट स्टार्ट माना जाएगा। इसके बाद कक्षाओं का अस्थगन, सस्पेंशन ऑफ क्लास, यानी कि इनका जो क्लासेस है वो ऑफ कब होंगे, 16/3/2020 को। और विभिन्न तरीकों जैसे ऑनलाइन लर्निंग,
दूरस्थ शिक्षा, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्काइपी, इस तरह से जो भी कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो निरंतर शिक्षण अध्ययन यानी कि जो पढ़ाई है वो जारी रखा जाएगा। वो क्या डेट तय किया गया था, 16/3/2020 से 31/5/2020 तक, यानी मई अभी जो आने वाला है 31 मई, तब तक ऑनलाइन पढ़ाने के लिए टाइम दिया गया है। शोध निबंध का समापन, प्रोजेक्ट वर्क जो कि सेमेस्टर 6 में है प्रोजेक्ट वर्क, और सेमेस्टर एमकॉम या मास्टर डिग्री में सेमेस्टर 4 में प्रोजेक्ट वर्क है, उसके लिए इंटर्नशिप रिपोर्ट, ईलैब्स, सिलेबस का समापन, आंतरिक मूल्यांकन, असाइनमेंट, इसका जो डेट तय किया गया है वो है 1/6/2020 से 15/6/2020 तक, यानी कि ये जून में किया जाएगा। तो जो लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए कि अब अपने अपने प्रोजेक्ट पे वो काम करना शुरू कर दें। समर वैकेशन, समर वैकेशन के लिए तय हुआ है कि अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो समर वैकेशन 16 जून से 30 जून तक कर सकती है, गर्मी की छुट्टी। अब आप लोगों को जो एग्जामिनेशन है वो कब होगा, तो टर्मिनल सेमेस्टर्स यानी कि लास्ट सेमेस्टर जो सेमेस्टर 6 में है उनका होगा 1/7/2020 से 15/7/2020 यानी कि जुलाई में, जैसे कि सेमेस्टर 6 का। इंटरमीडिएट सेमेस्टर जैसे सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4, इनका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 16/7/2020 से 31/7/2020 तक, ठीक है। जैसे ही आपका सेमेस्टर 6 का ख़त्म होगा वैसे ही 16/7/2020 से 31/7/2020 में 20 तक में ये सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर 4 का भी एग्जाम हो जाएगा। रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आएगा 31/7/2020 को, ये सेमेस्टर 6 का आएगा 31 जुलाई को, और जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर से उनका रिजल्ट कब आएगा, 14/8/2020 को। अब हम लोग बात करते हैं नए एडमिशंस का लेकर के, नए एडमिशंस में क्या डेट के चेंजेस आए हैं। सबसे पहले देखिए एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस जो इस साल नए एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए है 1/8/2020 से 31/8/2020, उनका क्लासेस कब से शुरू होगा। यहाँ पे देखिए कक्षाओं का आरंभ जो तय किया गया है वो है स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ईयर, वो है 1/8/2020 से, और जो आपके फर्स्ट बैच हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, वो जो नया बैच होगा फ्रेशर्स का जो 1 अगस्त को एडमिशन लेंगे, 1 अगस्त से 31 अगस्त तक में उनका क्लासेस शुरू होगा 1 नवंबर से, यानी कि ठीक एक दिन बाद। परीक्षाओं का संचालन, ये देखिए कि परीक्षा उन लोगों का परीक्षा कब होगा, तो परीक्षाओं का उन लोगों का जो कंडक्ट होना है वो है 1/1/2021 से 25/1/2021, यानी अगस्त में जो फ्रेशर्स होंगे और सेमेस्टर 2 एंड 3 उनका एग्जामिनेशन होगा जनवरी में, और जो कि एक एक तो नहीं, एक को तो छुट्टी होगा बट जनवरी में एग्जाम होगा। सम सेमेस्टर के लिए कक्षाओं का आरंभ यानी कि जो इवन सेमेस्टर्स हैं 2, 4 और फ्रेशर्स जो 6 होंगे उनका होगा 27/1/2021 को ये क्लासेस शुरू होंगे, और कक्षाओं का प्रसार होगा 25/5/2021 को, और उनका एग्जाम होगा 26/5/2021 से 25/6/2021, यानी कि एक महीना का टाइम। और इसी तरह से जो समर वैकेशन है वो है 1 जुलाई से 30 जुलाई तक, और नेक्स्ट ईयर जो एडमिशन होंगे नेक्स्ट ईयर 2021 में वो भी अगस्त में होंगे। यही है आप लोगों का दिशा निर्देश यूजीसी के तरफ से गाइडलाइन, अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसे क्लियर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।